हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शानू किटन सीएससी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा ट्रांसफ़र, विच इज़ आल्सो कॉल्ड डेटा ट्रांसमिशन। सो डेटा ट्रांसफर मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। सो डेटा ट्रांसमिशन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वन इज पैरेलल ट्रांसमिशन एंड अनदर इज सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल मीन्स पैरेलली डेटा बिट्स जाते हैं, सीरियल मीन्स सीरियली डेटा बिट्स जाते हैं। सीरियल को हम अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र, अनदर इज असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। सो ये हम वन बाय वन देखेंगे, पैरेलल एंड सीरियल क्या होता है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है। पैरेलल को जनरली हम सिंक्रोनस ही कंसीडर करते हैं हमेशा। नो डिफरेंस बिटवीन पैरेलल ट्रांसमिशन एंड सीरियल ट्रांसमिशन। सो पैरेलल ट्रांसमिशन में हम देख सकते हैं, यहाँ एक सेंडर है, एक रिसीवर है। सो यहाँ मल्टीपल लाइंस दिख रही हैं, जितने नंबर ऑफ बिट्स हमें ट्रांसफ़र करते हैं उतने नंबर ऑफ लाइंस यहाँ रहती हैं। हर बिट इंडिविजुअल लाइन से होके जाता है और पैरेलली सेम टाइम पे ट्रांसमिट होता है। सो वी कैन से ईच बिट हैज़ इट्स ओन पाथ। सो टोटल मैसेज क्या हो रहा है, ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम। पैरेलली सारा मैसेज, सारे बिट्स एक साथ ट्रांसमिट होते हैं, जबकि सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, ईच बिट इन अ मैसेज इज सेंट इन अ सीक्वेंस। हर बिट सीक्वेंस में वन बाय वन जाता है और एक सिंगल वायर यहाँ पे होती है, ठीक है, और एट ए टाइम एक एक बिट ही जाता है। सो ईच बिट इन मैसेज इज सेंट इन सीक्वेंस वन एट ए टाइम इन सीरियल ट्रांसमिशन। सो पैरेलल में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, n बिट्स को ट्रांसमिट करने के लिए हमें n सेपरेट वायर्स लगेंगी। अगर 8 बिट ट्रांसमिट करना है तो 8 सेपरेट वायर्स लगेंगी। और सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, बिकॉज एक ही वायर के थ्रू हमें n बिट्स भेजने हैं, तो n बिट जो ट्रांसमिट हो रहे हैं, सपोज 8 बिट्स अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो सिंगल वायर से ही वो वन बाय वन ट्रांसमिट होंगे। नेक्स्ट डिफरेंस, पैरेलल ट्रांसमिशन फास्टर होता है बिकॉज सारे बिट्स एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं, बट मल्टीपल वायर्स यहाँ रिक्वायर रहती हैं। ओके, सो इट इज़ फास्टर बट रिक्वायर्स मैनी वायर्स। सीरियल ट्रांसमिशन में ये स्लोअर है बिकॉज वन बाय वन बिट्स यहाँ पे सीरियली जा रहे हैं सीक्वेंस में, ओके, एट ए टाइम नहीं जा रहे, एक एक करके जा रहे हैं। तो इट इज़ स्लोअर बट इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव क्यों है, बिकॉज यहाँ सिंगल वायर्स से ही हम सारे बिट्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो सिंस इट रिक्वायर्स ओनली वन पेयर ऑफ वायर, वन पेयर ऑफ मीन्स एक वायर ट्रांसमिट करने के लिए होती है बिट्स को, एक वायर जिसे हम कॉमन ग्राउंड भी कहते हैं, जो सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। पैरेलल ट्रांसमिशन का यूज़ कहाँ होता है, जनरली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन में पैरेलल ट्रांसमिशन का यूज़ होता है, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस में अगर यूज़ करेंगे तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस में फास्टर कम्युनिकेशन करना है तो हम पैरेलल ट्रांसमिशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल CPU एंड मेमोरी के बीच हम कॉमन बस या बस सिस्टम यूज़ करते हैं, बस में मल्टीपल वायर्स रहते हैं और सारे बिट्स पैरेलली ट्रांसमिट होते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम CPU का प्रिंटर के साथ लें तो CPU और प्रिंटर का ट्रांसमिशन भी पैरेलल ट्रांसमिशन होता है। नाउ सीरियल ट्रांसमिशन में क्या, जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमें ट्रांसमिशन चाहिए तो हम उसके लिए सीरियल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस में ये पॉसिबल नहीं है कि मल्टीपल वायर्स यूज़ करके उसे एक्सपेंसिव बनाएं, तो हमें जितना हो सके कॉस्ट को कम करके, बट हम स्पीड से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, इसलिए वहाँ सीरियल ट्रांसमिशन यूज़ होता है। तो इसके एग्जांपल हैं CPU एंड IO डिवाइसेस, ठीक है। CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, इनके बीच में सीरियल ट्रांसमिशन होता है। साथ ही साथ अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ चाह रहे कम्युनिकेशन हो, सो ये सीरियल ट्रांसमिशन के थ्रू ही पॉसिबल होता है। पैरेलल ट्रांसमिशन हमेशा सिंक्रोनस ही होते हैं, बिकॉज सेंडर और रिसीवर की क्लॉक आपस में सिंक्राइज रहती है। और सीरियल ट्रांसमिशन के दो टाइप्स होते हैं, वन इज सिंक्रोनस एंड अनदर इज असिंक्रोनस। नाउ सीरियल ट्रांसमिशन के दो टाइप्स, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर और असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में अगर सेंडर और रिसीवर एक कॉमन क्लॉक को शेयर कर रहे हैं, इट मीन्स उसे कहते हैं सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। और असिंक्रोनस मीन्स अगर एक सेंडर है एक रिसीवर है, दोनों सेम क्लॉक को शेयर नहीं कर रहे हैं, सेंडर की अपनी प्राइवेट क्लॉक है और रिसीवर की अपनी प्राइवेट क्लॉक है, बोथ हैव देयर इंडिपेंडेंट क्लॉक्स, देन उसे कहते हैं असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। यह हम कह सकते हैं बोथ डिवाइसेस
synchronized when they have common clock, and two devices are not synchronized, or it is said to be asynchronous when they have their own private clocks. So इसी के लिए हम points में लिख सकते हैं. Synchronous क्या होता है? Two units share a common clock in synchronous data transfer. In asynchronous, two units are independent and each have its own private clock. Okay? यहाँ पे common clock है, यहाँ पे private clock है. Now data transfer जो होता है sender receiver के बीच में, वो synchronized होता है because same clock pulse जाती है synchronous में. और यहाँ पे दोनों की सेम क्लॉक पल्स नहीं जाती है, इसलिए दोनों का सिंक्रोनाइज भी नहीं होता है. ओके, बिकॉज दोनों के अलग अलग कॉमन क्लॉक्स है. तो इसके लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है कुछ कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू. नेक्स्ट पॉइंट है डेटा ट्रांसफर बिटवीन सेंडर रिसीवर इज सिंक्रोनाइज्ड विद द सेम क्लॉक पल्स, और यहाँ पे डेटा ट्रांसफर नॉट सिंक्रोनाइज्ड है बिटवीन द सेंडर रिसीवर विद द सेम क्लॉक पल्स. सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर जनरली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे दो डिवाइसेस की स्पीड मैच होती है. ओके, असिंक्रोनस वहाँ होता है जहाँ दो डिवाइसेस की स्पीड में अगर मैच नहीं है, तो उस केस में असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर को यूज़ किया जाता है. ओके, सो इट इज़ यूज बिटवीन डिवाइसेस दैट मैचेस इन स्पीड, और असिंक्रोनस यूज बिटवीन डिवाइसेस दैट डू नॉट मैचेस इन स्पीड. नाउ सिंक्रोनस में जो बिट्स ट्रांसमिट होते हैं वो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट होते हैं by keeping the clock frequency synchronized in both units. So bits are transmitted continuously to keep the clock frequency synchronized in both units. यहाँ पे bits continuously नहीं जाते हैं. Okay, तो bits जब भी available होते हैं bits, तब उसे send किया जाता है, और बाकी time पे जो lines होती हैं वो ideal होती हैं. तो bits are sent only when it is available and lines remains ideal when there is no information to be transmitted. So this is asynchronous data transfer. So synchronous means हम ये भी कह सकते हैं, synchronous means at the same time क्यों कह रहे, because दोनों की clocks common है. So एक जिस time पे send कर रहा है उसी time पे receiver की clock में भी वही time रहेगा. Asynchronous means at the regular interval, because दोनों की common clocks नहीं है. और रेगुलर इंटरवल इसलिए भी कह रहे हैं बिकॉज ये कंटिन्यूसली डेटा नहीं सेंड कर रहा है, ये जब भी अवेलेबल है तब डेटा सेंड करता है, इसलिए असिंक्रोनस. और सिंक्रोनस एट द सेम टाइम मीन्स कंटिन्यूसली डेटा ये सेंड करता है. सिंक्रोनस इसीलिए फास्ट भी है, असिंक्रोनस स्लोअर है. एंड सिंक्रोनस कॉस्टली है एंड असिंक्रोनस इज इकोनॉमिकल. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें. साथ ही साथ इसे लाइक, शेयर और इसमें कमेंट भी ज़रूर करें. थैंक यू.